हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला। मैं अपने चैनल पर ओलंपियाड एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित चैप्टर्स एंड प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ। ओलंपियाड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए, ये मैं ध्यान में रखते हुए ओलंपियाड एग्जाम के सिलेबस एंड स्कूल सिलेबस को मैच करते हुए उसके अनुसार चैप्टर को एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद प्रैक्टिस सीट लेकर आती हूँ। हमारे चैनल पर आपको मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड कंप्यूटर से संबंधित सब्जेक्ट की चैप्टर्स एंड प्रैक्टिस सीट देखने को मिलेंगे। अभी हम लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी पर ओलंपियाड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास फर्स्ट के लिए, उसको ध्यान में रखकर प्रैक्टिस सीट 4 लेकर आए हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2 एंड 3 लॉजिकल रीजनिंग की हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर एक बार अवश्य देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट। ऑप्शन है ए ट्री, बी ट्रेन, सी चाइल्ड एंड डी बिल्डिंग्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बिल्डिंग्स इज द टॉलेस्ट अमोंगेस्ट ऑल द ऑप्शन। बिल्डिंग अन्य सभी ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, शेप्स ब्लैंक एंड ब्लैंक विल कंबाइन टू फॉर्म अ स्क्वायर। ये शेप्स दिए गए हैं, इसके अनुसार कौन से दो शेप को कंबाइन करने पर वह स्क्वायर शेप बनेगा। ऑप्शन ए पी क्यू, ऑप्शन बी क्यू एंड एस, ऑप्शन सी एस एंड पी एंड ऑप्शन डी क्यू एंड आर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्यू एंड आर विल कंबाइन फॉर्म ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। जनवरी, बी मार्च, सी मई, डी अप्रैल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अप्रैल। एक्सपेक्ट ऑप्शन डी, ऑल अदर मंथ्स हैव 31 डेज। जनवरी, मार्च एंड मई 31 डेज एंड अप्रैल 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 4, फ्राइडे कम्स बिटवीन ब्लैंक एंड ब्लैंक। ऑप्शन ए थर्सडे एंड वेडनेसडे, ऑप्शन बी मंडे एंड ट्यूसडे, ऑप्शन सी सैटरडे एंड संडे एंड ऑप्शन डी थर्सडे एंड सैटरडे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, थर्सडे एंड सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 5, If cat is related to milk, then monkey is related to. Option A banana, option B bread, option C orange and option D apple. Correct answer is option B, cat like milk, similarly monkey like bananas. जिस प्रकार बिल्ली दूध पसंद करती है, उसी प्रकार monkeys बनाना अर्थात केला पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द गिवन फिगर पैटर्न। ऑप्शन ए, ये गिवन फिगर पैटर्न है, इसके अनुसार हमें देखना है सबसे पहले बनाना ऑरेंज मैंगो फिर व्हाट, फिर बनाना ऑरेंज मैंगो एप्पल, व्हाट ऑरेंज बनाना एप्पल। यहाँ पे जो दो क्वेश्चन मार्क्स है, इसके जगह पे कौन से फ्रूट्स आएंगे। ऑप्शन ए एप्पल बनाना, ऑप्शन बी बनाना ऑरेंज, ऑप्शन सी ऑरेंज एंड एप्पल एंड ऑप्शन डी एप्पल एंड मैंगो। सीरीज हम देखते हैं, सीरीज में हमारा ये 4 बनाना ऑरेंज मैंगो एंड एप्पल इस सीरीज में जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं बनाना ऑरेंज एंड मैंगो, मैंगो के बाद हमारा एप्पल आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हो गया एप्पल। सेकंड हमारा देखते हैं बनाना ऑरेंज मैंगो एप्पल है,
फिर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर फिर स्टार्टिंग हो जाएगा बनाना से, बनाना ऑरेंज मैंगो एप्पल, सो सेकेंड ऑप्शन इज बनाना, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए एप्पल एंड बनाना। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ फोर चेरीज आर देयर, फोर चेरीज के ग्रुप्स इसमें कितने के बन रहे हैं, फोर फोर चेरीज के कितने ग्रुप बन रहे हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 5। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2, हिंस देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ फोर चेरीज। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट, ऑप्शन ए स्पून, ऑप्शन बी पेंसिल, ऑप्शन सी इरेजर एंड ऑप्शन डी बैग्स। इन सभी आइटम्स में सबसे भारी आइटम कौन सा है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्कूल बैग इज हैवीएस्ट ऑल ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इन फॉलो इन ऑल द थ्री फिगर्स। थ्री फिगर्स में हम सबसे वन फिगर्स के फर्स्ट रो में देखते हैं 3 and 5 है, तो ये सीक्वेंस जा रहा है 3, 4, 5, नेक्स्ट ग्रुप में फर्स्ट रो 7, 8, 9 एंड थर्ड ग्रुप फर्स्ट रो 2, 3, 4। इसी प्रकार हम नीचे वाले रो में देखेंगे फर्स्ट ग्रुप में 9 and 7, फिर सेकेंड रो में है 13 and 11 एंड थर्ड रो में क्वेश्चन मार्क एंड 6। तो हम इसको देखते हैं 7 + 2 इक्वल टू 9 हो रहा है, इसी प्रकार सेकेंड ग्रुप में 11 + 2 इक्वल टू 13, इसी प्रकार थर्ड ग्रुप में 6 + 2 इक्वल टू 8। सो आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 8। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द 2D शेप इन कॉलम 1 एंड 3D शेप इन कॉलम 2। कॉलम 1 स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल। उसी प्रकार इसमें दिया हुआ है बल्ब, क्यूब, सैंडविच एंड माचिस बॉक्स। ये ग्रुप कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर इज ऑप्शन सी ए का 2 हो जाएगा, स्क्वायर शेप में ही ए का 2, क्यूब जो है स्क्वायर शेप में है, बी रेक्टेंगल इक्वल टू एप्सन, बी 4 माचिस हो रहा है सेम शेप में, सी सर्कल इक्वल टू सी का 1 बॉल सेम शेप हो रहे हैं एंड डी ट्रायंगल इक्वल टू सेम शेप सैंडविच। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी प्रकार हम और वीडियो लेकर आते रहेंगे, और प्लीज़ आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि आप और क्या या किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।